हम हमारे हाथ से हमारी खबर को वो कैसा भाई जरा जान जवान रहे तो लगा कोई बात नहीं जरा उम्र ढलकी तो जरा पाउडर लिपस्टिक हाँ जरा अपना हिजाब ये वो लगाए तो अच्छा नहीं रहता। अब तुम्हारा मतलब क्या है मैं पाउडर लिपस्टिक लगाने को बैठू कैसे बात करते जी ये उम्र में अगर मैं पाउडर लिपस्टिक लगाने बैठी तो लोग थूकेंगे मेरे मुंह को। अरे दीवानी औरत ये उम्र में ही पाउडर लिपस्टिक लगाते हैं क्या मतलब पुराने मकानों की झाड़ू भी करते हैं पुराना मकान भी मैं तुम्हारा मकसद क्या है बोलो तुम देखो बीबो की माँ फिर गुस्से में आ रहा तू क्या बात करे तो मुंह में मिर्ची अकड़े वैसी बात करते हैं फिर देखे तो क्या की पुराना मकान कहते पुराना जरा हाथ लिखूंगा बोलते बैठा तो आगो सिर्फ मसाला पीस रहे क्या है खत बोले तो याद आया ये देखो कहे वो अम्मू खाला के बेटे की शादी में गई थी नहीं वहाँ सुनी मैं वो बाप भाई की शादी है कहते हो रही हुई आज ही तुम जाके समझा दे उनको मशवरा दे दियो वो पोटी को मैं देखी औंधे तब्बे की सूरत उजाड़ लड़ाका जाहिल नंबर वन की अगर उन्हें बाबू भाई शादी करे समझो गड़े में गिरे तो मेरे को क्या करो बोलो तुम अजी तुम जाके उनको हुशार कर दो मशवरा दे दो मत करो बोलो शादी मैं कही तुम बोलो उन्होंने मेरे वक्त आपको मशवरा दिए थे क्या तो बात बोलो ना क्या बोले तुम तुम एक बात बोला मैं एक बात बोला मैं बोलकर जब तक पूरे बात हो तुम हल्लू हल्लू छोड़ते जा रहे हैं अजी तुम हजारों का जाके हमारी चौखट पे नाक रगड़े तब कहीं जाके हमारे बाबा तुम्हारे को दिए समझे तुम क्या समझ रहे बहुत हीरे जड़े हुए हैं इनके अंदर सही बात मैं तुम्हारे घर के चक्रा लगाया सही बात लगाए एक नहीं हजार वक्त लगाए हजार नहीं लाख वक्त लगाए आपको तुम्हारी ढेली को नाक रगड़े सही बात हाँ अरे हमको क्या मालूम था वो दुबली पतली शर्मीली लड़की जाको ऐसा पुलिस का जिम्मेदार हो जाएगी बोल दो किसको बोलेंगे तुम पुलिस का जिम्मेदार बोलते एक बात बोल रहा है एक बात बोल पुलिस का जिम्मेदार कहते पुलिस का जिम्मेदार ऐसा है बिब्बो की माँ क्या है जी सही बात बोले तो बिल्कुल अच्छी सही बात देखो तुम नहीं बोल के अभी बहुत बहुत बात बोलते जा रहे हैं देखो तुम देखो भाई अब तुम बोलते हैं बच्ची का पैगाम लगाओ बच्ची का पैगाम लगाओ बोलते नहीं बोलते नहीं बोलेंगे क्या अजी बच्ची अजी तुम्हारा गुस्सा इतना मशहूर है लोग समझते होंगे जब बच्ची की अम्मा को इतना गुस्सा है तो बच्ची को कितना गुस्सा होगा बोल तो समझते होंगे अब वो बाप बेचारों को क्या मालूम बच्ची बाप को गई तो बाप ऐसा दूध का धुलावा है बेचारा कोई बात नहीं मालूम है बाप को ये देखो ये खत देखे तो याद आया मेरे को एक किताब रखी थी जी मैं यहाँ पे वही लेने को आई देखो मैं कौन सी किताब अजी वही वो 100 साल तक जिंदा रहने का राज बोल के किताब थी नहीं एक हाँ, देखे तुम देखा छुपा को रख दिया छुपा के रख दिया वो कहीं को छुपा के रख दिए जी अब आपकी अम्मा जा रहा है ना परसों हाँ अम्मा का क्या चालू है किताब के साथ नहीं कहीं वो राग उनको मालूम हो गया तो 100 साल तक सिर्फ मसाला पीसेंगे बोल को छुपा कर रख दिया तो बात क्या ख्याल है तुम्हारे हमारे अम्मी देखे तो दामाद दामाद बोल के मुंह नहीं छुपता उनका तुम क्या कि उनके वास्ते ऐसा सोते दामाद दामाद बोल कोई खैर जान दे क्या नहीं नहीं बोलते हो काई की दिल में कहीं को रख रहे बात ऐसा है खैर जान दे बेगम है मुझसे बड़ी मैं हूँ कुलशा तू बासी कड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी अजी हमारे नु ये तुम्हारे भाया दो दो मिनट को मजाखान कर रहे हैं क्या है ये कोई जगह मुखान देख के करना बोलना ये क्या है क्यों क्या किसको है जरा जोरा भाई को ऐसा अंडा रहे बकरी अंडा है ऐसा अंडा नहीं अभी जो मैं गा रहा था ये क्या है ये काय की बोम है ये एक दिन की बोम दो दिन की बोम तो हर चलते चली चलते ही चली दीवानी औरत ये शायरी है शायरी हजर मखत बोली देखो दी ये शायरी छोड़ दो मैं तुम्हारा महर माफ कर देती हूँ तुम क्या नामाकुल औरत है अरे आज इस शायरी की वजह से क्या इज्जत
क्या फूलों के हरा बिचारे बाखर मिया? क्या करे बाखर मिया? फूलों के हरा हरों पे हरा डाले हैं मेरे। बहुत बड़ी गलती करे उन्हों, खाली फूल ही पिनाए। फूल के हार और क्या करती है? कुछ एक शेरवानी का कपड़ा दिए उन्हें दिए कुछ और क्या दिए? बहुत बड़ी गलती करे फूल। ये उम्र तो खुले फूल और हरक का कपड़ा देने की है। अभी ये शायरी है, शायरी शायरी तो क्या कदर है शायरी की? चोरों का खानदान है। देखो तुम बैठो, धोखे बाप खानदान तुम्हारे। क्या धोखा दिए जी? तुम्हारे बाप धोखा दिए? तुम्हारे को धोखा दिए? अजी कैसा बड़ा धोखा बताते वक्त अगर छोटी बहन को बताए और बाद में ये आसारे कदीमा को मेरे हवा। मैं इसको क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ? दूसरा रहता कलेजा फट के खत्म हो जाए। कलेजा फट को मर जाता। भोग भोग कर लिए तुम मेरे से, भोग भोग कर लिए। क्या कर? नहीं भाई, तुम्हारी जितनी बदमाशी है शायरी कुछ पढ़ते उसके खिलाफ। जबकि मैं जिंदा हूँ, मेरी में ये सफेद साड़ी पहनने की क्या जरूरत? तुम्हारी जिंदगी का कुछ भरोसा है? दीवानियों में मेरे ताल्लुक से बोलते तो साहब। देखो बेटे बुड्ढे की जमे लिया तो फिर पलटता की नहीं की नहीं। देखो बोल दे रहा हूँ मैं, तुम बहुत बोल रहे हैं। देखो क्या करते ही तुम? नहीं तो क्या करते जी? नींबू निचोड़े ऐसा निचोड़ देंगी? अरे मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तुम वो अलमारी में साड़ियाँ देखे? देखी। तीन हैंगर लटके हुए हैं वहाँ पे। एक हैंगर में लाल साड़ी है, पहली बीवी की निशानी है, शादी के 3 साल बाद अंडरग्राउंड। और एक ब्लू कलर की साड़ी बड़ी शानदार, चमकी उमकी का काम है। चमकी सेकंड बलवा, दूसरी बीवी की निशानी है। 1.5 साल के बाद अंडरग्राउंड, उसकी भी केयर दिए। अब वही अलमारी में एक हैंगर खाली लटका हुआ है। अब के उसमें ये शेरवानी लटकेगी। बुड्ढा बोले मुंह फोड़ दाल तो बुड्ढा नहीं बोलना। तो बुड्ढा बोले बुड्ढा नहीं कहते, जवान बोलेंगे। सूरत में पूरा जंग आ गया है, बुड्ढा नहीं कहते। नहीं क्या 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 करना बाकी है तुम्हारे साथ? क्या करेगी? कभी तुम मेरे को अच्छी साड़ी ला को पहना है। क्यों नहीं ला के पहना है भाई? कब पहना है जी? अभी परसों रमजान की ईद को ऐसी जबरदस्त साड़ी ला के पहना है। अम्मा चची माँ बोल रही, वो जकात की साड़ी थी कहते। मैं ला के दिया तो साड़ी जकात की साड़ी। कभी तुम अपने ताल्लुक से सोचे? क्या सोचेंगे जी? क्या मिया आप भी सुनो ये बात, कभी तुम अपने ताल्लुक से सोचे? क्या सोचेंगी? आ तुम क्या है? क्या है जी? मैं लाया तो साड़ी जकात की साड़ी। तुम क्या है? क्या है जी? अल्लाह मियां पूरे बंदों पे से जकात निकाल के मेरे हवाले कर दिया। क्या है? अल्लाह मियां पूरे बंदों पे से जकात निकाल के मेरे हवाले कर दिया। चेक कितने के घऊ? नहीं क्या बाकी है तुम्हारे साथ? क्या करे तुम? बहुत वो बूटा है बेटे, बहुत बेमान बूटा। अब तुम लोगों के सामने मुंह खोल को क्या बोलूं? खाओ 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 खाओ। अम्मा मठी परोस का खाना, बच्चे का एलिफेंटोन पी जाता, कैरिक रखे खा जाता। अजी हद हो गई खाओ खाओ की। वो बल्दिया वाले ना को सूबेदार रखे तो उसमें का बुड़मा खा गया तो बूटा है।